ठाकुर द्वारा के मड़ैया ख्वाजपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि ये खेतों का नज़ारा है और ये एक जाल बिछाया गया है जिसके अंदर बकरी रखी गई है। दरअसल मामला ये है कि इस पूरे इलाके में तेंदुए का बहुत ज़्यादा आतंक है और जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। आप वन विभाग से हैं? जी, वन विभाग से सर। सर यहाँ तो आए दिन देखने में रोज़ मिल रहा है और गाँव वाले भी जहाँ जहाँ बताते हैं हम वहाँ पिंजरा लगाते हैं अपना। अधिकारियों के कहने के अनुसार हम जो है जो आज दूसरी जगह हमने पिंजरा लगाया है, पहले वहाँ लगा था, अब यहाँ हटा के लगा दिया है। बकरी इसमें बंद है, उसके पकड़ने की व्यवस्था तो पूरी की जा रही है, लेकिन साहब वो समझदार है, हो सकता आज फंसे कल फंसे और हमें सफलता मिले। चलिए, निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि ये रेस्क्यू के लिए ये पूरा यहाँ पे किया जा रहा है, बकरी को यहाँ पे रखा गया है। ये बताइए कि आपके गांव में तेंदुए का आतंक कितना है, कितने आप लोग कब से परेशान हैं, कितना परेशान रहते हैं? जब कभी कभी दिखता था, अब जिस दिन से ये घटना हुई है तब से तो रोज़ दिख रहा है। अजी 5-7 गांव में तो बहुत ही परेशान कर रहा है, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इधर कभी उधर। जो है कल भी जो है जो जहाँ से चौराहे से रोड पार करके आए ना, वहाँ पे था, वहाँ से दिखाई दिया था। अब दिल में आदमी काम कर रहा है, फिर भी भय है। दो आदमी आ रहे हैं, कोई बरसीन काट रहा है तो वो जो है पीछे से एक आदमी डंडा लिए खड़ा है, पानी दे रहे हैं तो भी दहशत है। तो ये तो पूरी दहशत ही है उसकी तेंदुए की। घर से तो ऐसे डंडे डंडे उंडे लेके निकलना पड़ता है लाठी डंडों के साथ, जिससे अपना कुछ तो बचाव किया जाएगा। कभी हाथ नहीं आता, कभी इन्होंने 4-4, 5-5 लोग जाते हैं जंगल, हाथ नहीं आ रहा साहब, बड़ा मुश्किल कर रखा है इसने। महसूस यह है, डर बहुत लगता है, जंगल नहीं आ पाते। ये आ रहे हैं तो 5-5, 6-6 जने एक साथ आ रहे हैं और सुबह सुबह तो आ नहीं पाता, कोई आ नहीं पाता, इसलिए कि 5-5, 6-6 जने आ रहे हैं। छोलने भी आ रहे हैं तो 5-5, 6-6 जने आ रहे हैं इकट्ठा होकर। परचीन काटने आ रहे हैं तो 2-2, 3-3 जने आ रहे हैं, जिसमें एक जना काटता है, 2-2, 1-1, 2-2 जने डंडे बंछी उंछी लेकर आ रहे हैं। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि कुछ कह नहीं सकते। बस हर आदमी प्रति एक डरा हुआ है उसकी माहौल की वजह से, लेकिन हर भरसक कोशिश कर रहे हैं वन विभाग वाले भी, लेकिन वो चीज़ जानवर पकड़ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये एक पूरा परिवार है, दो बहनें हैं, माँ बाप बैठे हैं, इनके परिवार को महज कुछ दिन पहले ही निशाना बनाया है तेंदुए ने, यानी कि यहाँ पे एक बच्ची को तेंदुए ने खा लिया है। आप सोच सकते हैं कि कितना आतंक है इस पूरे इलाके में। हम गोथ करके चले गए, हमारे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, माउंटेसरी में गाँव में स्कूल है, ये 3 बजे के बाद जो है कि स्कूल छुट्टी हो जाती है 3 बजे। 3 बजे स्कूल से ये गई, उसके बाद में हम 2:30 बजे यहाँ से पहुँचे, अगोला छील गए, 2:30 बजे पहुँचे। इसके दादा यहाँ आए थे, इस बरसिन काटने आ गए थे, लेकिन ये गन्ना उन्ना खाने की वजह से ये वहाँ जंगल में आ गई, वहाँ जंगल में आ गई, गन्ना खा रही थी, ये आपस में खेल नहीं थी आपस में जो है कि बस पीछे से वो आया जानवर साहब, मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, के धोरे से उठा कर ले गया। यू बोली मिस्सा ना मम्मी हम खेल रहे थे दोनों भिन्ना, तीनों भज का रहे थे ना, पीछे से उनने जठाया तो जब मेरी भिन्ना चिल्लाई, मैंने पीछे को फिर कर तब देखा उसे, जब किल्ली मचाई न कि हमारी भेन्ना को तेंदुआ उठा कर ले गया, जब औरों को पता चला एकदम। निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे अक्सर सुनने में घटनाएं आती हैं कि किसी बकरी को या अन्य छोटे जंतुओं को अब तक तेंदुआ अपना निशाना बनाता था, लेकिन एक बच्ची को निशाना बनाने के बाद से गांव में जो दहशत का माहौल है ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से देख सकते हैं कि आपके सामने जो भी लोग नज़र आएंगे वो लाठी बरसों के साथ और पूरा इंतज़ाम करके चलते हैं कि अगर खेतों में हम जाएं तो खुद को सुरक्षित रखें। जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके में तेंदुए का खौफ बहुत ज़्यादा है और लोग आज से नहीं बरसों से परेशान हैं।